नमस्कार क्लिक में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं कमल जसवाल जी से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप से जो कि इस वक्त सी एन आर सी एन पी आर पर चिट्ठी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कमल जी आप ये बताइए आप लोगों ने क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रह चुके हैं तो इसकी सिर्फ कानून की बात नहीं कानून की दाव पेश जो होता है जिसपे रूल्स होते हैं और रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो इस सब चीज़ को देखते हुए आपको एन और सी की इस प्रक्रिया में क्या आपको खामियां या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो हमने पत्र लिखा है वो प्रधानमंत्री को नहीं लिखा है क्योंकि प्रधानमंत्री को हम पहले बहुत सारे पत्र लिख चुके हैं और उनकी प्रतिक्रिया एक लंबा मौन ही रही है अब तक कोई और मौन के यानी प्रधानमंत्री की ओर से मौन लेकिन प्रधानमंत्री के बहुत सारे समर्थकों द्वारा उसकी बहुत खरी आलोचना तो बहुत कटु शब्दों में आलोचना आप तो, लोगों को इंटरनेशनल करार भी दी हाँ, हाँ हाँ वो तो सब हुआ है तो फिर हमने ये सोचा कि बजाय प्रधानमंत्री को या और किसी अथॉरिटी को पत्र लिखने के हम जनता को ही संबोधित करें भारतीय नागरिकों को ही संबोधित करें क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जनता एक तो 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 सर्वोच्च न्यायालय है वो आ, उसके अलावा वही इस सारी प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले हैं क्योंकि हमारे सामने आसाम का अनुभव था कि आसाम में क्या हुआ अपनी नागरिकता सिद्ध करने के प्रयास में लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी तो उससे हमें आगाह करना था भारत के नागरिकों को तो ये पत्र भारत के नागरिकों को संबोधित है इस पे दो अलग अलग पहलू आपसे बातचीत करना चाहेंगे एक तो है इसके कानूनी पहलू जो जजेस यहाँ पर रहे आए हैं बातचीत किए हैं इसके बारे में मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर सलाह चाहूँगा पर उसके अलावा बाद में इस पर बात करना चाहेंगे कि इस तरह इसकी प्रक्रिया की मकसद जो है वो क्या है सिर्फ कानून नहीं कानून तो एक तरफ से ये है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता ये सिद्ध करता है पर कानून का मकसद जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और रूल्स द्वारा की जाती है तो दोनों अलग अलग पहलू पे हम बात करना चाहेंगे तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू भी इसकी कानूनन कानून की जो पहलू है उसको आपने देख क्या आपको लगा है इसके बारे में इसमें हम लोगों ने इस पर काफ़ी विचार किया काफ़ी चिंतन किया काफ़ी परामर्श किया और जो संविधान के एक्सपर्ट्स हैं ज्ञाता हैं उनसे भी चर्चा हुई तो एक बात तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे संविधान के आधारभूत मूल्य हैं उनके ये विरुद्ध है जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो कॉन्सेप्ट है जो कि गोलकनाथ केस से स्थापित हुआ था हाँ प्रपाउंड किया गया था उसमें तो उसमें सेक्युलरिज्म भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। दोहराया है रीसेंट जजमेंट रीसेंट जजमेंट में बुमाई मस्जिद वाले जजमेंट में दोहराया हाँ है गया है। बुमाई में हुआ फिर बाद में और और तमाम जजमेंट्स में उस बात की पुष्टि होती रही है तो उसके विरुद्ध है ये कि जहाँ पर आप धर्म के आधार पर निश्चय निर्णय करेंगे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी तो ये तो हमारे सेकुलर कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है उसके अलावा एक और फंडामेंटल राइट में एक और टेस्ट है कि आप इक्वालिटी का राइट टू इक्वालिटी इक्वल एकौल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये भारत में जितने भी लोग हैं केवल नागरिक ही नहीं जो गैर नागरिक गैर नागरिक भारत की भारत की सीमा के अंदर जितने लोग हैं जो भी कुछ हैं उन सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का एक मौलिक अधिकार है उसका भी ये उल्लंघन करता है क्योंकि फिर हम यानी दो ऐसे आ, आप कहें कि जो आ, बिल्कुल एकदम कोर आ, ट्रेट्स हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक आ, कंट्री ऑफ़ ऑरिजिन यानी किस देश के आप किस देश में जन्मे किस देश से आए और दूसरा धर्म तो इनके आधार पर जब आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है कंट्री ऑफ ऑरिजिन तो एक ऐसा ट्रेट है कि जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ आप वहाँ के हैं आप उसे बदल नहीं सकते आपके अधिकार में नहीं है और दूसरी बात है धर्म तो धर्म क्या है धर्म आपका एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही गहरा एक व्यक्तिगत मसला है तो जिस हाँ बिल्कुल 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 निजी मामला है और आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत डिफाइनिंग एक पैरामीटर है बल्कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का और आ, जो ऑटोनोमी है तो उसकी चॉइस भी वो एग्जाम्पलीफाई करता है एम्बॉडी करता है तो ऐसे मसले को जो इतना पर्सनल और इतना गहरा और इतना संवेदनशील मामला है उसके आधार पर आप फर्क करें ये बिल्कुल आर्टिकल uh, चौदह की जो स्पिरिट है उसके विरुद्ध है उसमें कुछ टेस्ट लिए गए हैं कि क्लासिफिकेशन जिससे जैसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन के टेस्ट तो वो ये पूरी तरह से फेल करता है क्योंकि उसमें तीन क्राइटेरिया हैं कि एक तो कोई इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया होना चाहिए दूसरा टेस्ट है उसमें कि कोई एक लजिटमेट स्टेट गोल होना चाहिए और तीसरा क्राइटेरिया है कि उन दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए तो इसको अगर आप अप्लाई करें तो हर काउंट पर यह फेल होता है तो ये आपका ये तो रहा इसका बुनियादी मसला बुनियादी मसला अब आते हैं इस बार अब रही बात कि इसका एक बार आपने ये बना लिया ये जो सी ए में जो ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया है कि ये तीन पड़ोसी देशों से जो लोग यहाँ पर आए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको अगर वो उनका धर्म सही वाला धर्म है तो उनको नागरिकता दी जा सकती है और उनको एक इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है कि उनको पासपोर्ट और फॉरेनर्स एक्ट के वायलेशन के लिए उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा इमिग्रेंट के हाँ। से करार नहीं जाएगी। जी हाँ उनको एमनेस्टी उसमें से उसमें देने का एक आश्वासन है तो अब इसमें इसका उद्देश्य क्या था ये इसमें कानून में नहीं लिखा है लेकिन जब डिस्कशन हुआ Uh, इसका जो 2016 का वर्जन था तो जब वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स किए गए और जो बिल लाया गया तो उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन्स में जो दिया गया है वो ये है कि रिलीजस प्रोसिक्यूशन्स के जो विक्टिम्स हैं इन तीन देशों के उनको एक फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रदान करने का इसमें दिया गया है पर अगर आप इसे इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो तब इसके जो लिंकेज है जो आसाम में एनआरआईसी की एक्सरसाइज हुई है आसाम में जो पूरी ये सब प्रक्रिया हुई जिससे सुप्रीम कोर्ट ही स्पीयर हेड कर रहा था उसमें आप ये पाएंगे कि जो उसके ड्रैगनेट में उसके जाल में ये जो लोग अंततः फंसे उसमें आ, एक बहुत बड़ी संख्या एक बहुत बड़ा अनुपात उन लोगों का है जिन्हें जिनके बारे में ये अंदेशा नहीं था कि वो उसमें फंस जाएंगे उसमें एक ख़ास धर्म के लोगों को ही फंसना चाहिए था लेकिन हाँ लेकिन फंस गए उसमें बहुत सारे और लोग तो उनके लिए एक तरह का ये एक एग्ज़िट रूट ये बनाना था तो इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी यानी जब ये अमेंडमेंट लाया गया उससे पहले आ, एक 2015 में सितंबर में एक अमेंडमेंट किया गया पासपोर्ट रूल्स जो हैं 1950 के उसमें अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन किया गया जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजस प्रोसिक्यूशन के जो विक्टिम्स हैं उनको भारत में नागरिकता देने का उसमें यानी उनको परस्यू नहीं किया जाएगा पासपोर्ट रूल्स के वायलेशन के लिए ये इस तरह की उसमें एक ही प्रोविजन किया गया तभी से तभी तब तभ, तब किया गया से। और फिर 2016 में उसको एक उसका और फर्दर एम्प्लीफिकेशन हुआ उसको और आगे बढ़ाया गया वो जुलाई 2016 में आ, उसमें अफ़ग़ानिस्तान को भी उसमें जोड़।, जोड़ दिया गया तो इन दोनों नोटिफिकेशनस को जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं इनके इनके अनुसार कानून को बदलने में इनको कानून का एक कवर देने के लिए तब ये अगले दिन ही उसके ये लाया गया 2016 का अमेंडमेंट ये लोकसभा में मूव किया गया और लोकसभा में पारित भी हो गया फिर उसके बाद ये रेफर कर दिया गया जॉइंट लोकसभा लोकसभा से फिर ये रेफ़र कर दिया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को तो 2019 में जाकर ये वहाँ से यानी जे ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी 2019 की शायद जनवरी में और फिर बाद में इसमें लोकसभा में इसमें 2019 का बिल पारित किया गया और फिर वो राज्यसभा में पारित हुआ और फिर दिसंबर में जाकर इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट हो गया तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है तो अब लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर इसी तक सीमित होता तो एक बात होती है। अब बराबर ये स्टेटमेंट्स आते रहे पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी जो हमारे मुख्य गृह मंत्री जी हैं प्रधानमंत्री ने भी कहा और मंत्रियों ने भी कहा कि ये एक्सरसाइज पूरे देश में होनी है ये एक्सरसाइज दो चरण में होगी एक एनपीआर होगा एक में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के आधार पर फिर उसमें ये आइडेंटिफिकेशन कि कौन इसमें भारत का नागरिक है कौन भारत का नागरिक नहीं है तो वो एन की एक्सरसाइज और एक ये भी उल्लेखनीय बात है कि दो में जब ये दोबारा ये सरकार बनी एन डी की जो सरकार बनी तो उसके आ, गठन के तुरंत बाद ही तीस मई को एक आदेश निर्गत किया गया जिसमें भारत के सभी ज़िलों में जिला कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिए गए कि वो फॉरेनर्स ट्राइबूनल्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकें अब बाद में जब इसका बहुत जगह विरोध हुआ तो तब ये एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ये देश के दूसरे भागों में भी लागू किया जाएगा एन आर आई सी बनाया जाएगा सवाल ये तो है कि सवाल ये नहीं, नहीं था।, था तो फिर ये 30 मई को ट्राइब्यून दो को ट्राइब्यूनल के गठन का ऑर्डर क्यों किया गया अब ये भी सवाल उठता है इसके साथ साथ ये भी था डायरेक्टिव देर डिटेंशन सेंटर के जी हाँ देखिए डिटेंशन सेंटर्स भी और डिटेंशन सेंटर्स के बनाने की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ग्वालपाड़ा में ग्वालपाड़ा में बन रहा है नीला मंगला कर्नाटका में बन रहा है नवी मुंबई में बनाने की बात है अब हालांकि इसको भी कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा रहा है लेकिन रिपोर्ट्स तो मीडिया में आ रही हैं तो अब अगर ये एक्सरसाइज मान लीजिए कि इस समय तो एक ये टेक्टिकल रिट्रीट हम मान सकते हैं गवर्नमेंट की कि जब इतना व्यापक विरोध इसका सब जगह हो रहा है तो तब ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से ये मामला ठंडा हो जाए इस आशय से ये बात कही जा रही है कि आ, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इसको हमें सब जगह अभी तक इसका जो है शब्द वो वो बहुत महत्वपूर्ण है तो जो ये स्पष्ट एक संकेत करता है कि ये अभी समय फ़िलहाल नहीं है इसका इरादा लेकिन बाद में तो इसका इरादा हो सकता तो है मतलब कि दो स्टेप में करेंगे पहले एन कर लें कहें कि एन से कोई ताल्लुक़ नहीं है एन कर लें तब अगले कदम कभी भी कर सकते हैं हाँ। उसका इरादा ही है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ से ट्राइब्यूनल और डिटेंशन सेंटर भी पैनली तैयार करके रखें ये इसका मकसद और एक बात है। और भी है चूंकि अब ये 2020 आ गया और 2021 में सेंसस हो रही है तो सेंसस से इसको लिंक करने की बात हो रही है जो कि ये एक स्मोक स्क्रीन है सेंसस एक अलग एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज बिल्कुल अलग दूसरी एक्सरसाइज अलग अलग एक्ट आपको चार्थ हाँ, चार्थ आप हाँ, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं कि सेंसस होता है सेंसस एक्ट के तहत वो अलग एक्ट है और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में भी अमेंड हुआ था जिसके रूल्स के तहत ये लाया गया था एन और 2019 पे में जिसका और संशोधन संग्षो, हुआ ये अलग एक्ट है दो तो अलग अलग एक्ट है सेंसस का ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ प्लानिंग को हेल्प करने के लिए और उसमें जो ख़बर तो आप निजी तौर पे दे रहे हो वॉल्ट्री है और जो ख़बर देंगे उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा ये आश्वासन से होता है, है और यहाँ पर इस एन एक्सरसाइज में आपको कानूनन आपको खबर देनी पड़ेगी हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड के तहत आपको खबर देनी पड़ेगी प्रूफ दिखानी पड़ेगी और ये पब्लिक किया जाएगा तो इसीलिए दो अलग अलग एक्ट उसका एक्चुअल एक्सरसाइज लोकेट भी कर सकते है। हैं एक पर्सन में हाँ। उसको यानी एक फंक्शनरी एक को आप ये दोनों दायित्व तो दे सकते हैं और दिया गया है उस पर आपत्ति नहीं है लेकिन ये कहना कि चूंकि अब सेंसस हो रही है इसलिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन रहा है ये तो बिल्कुल भ्रामक है, भ्रामक है। और एक स्म स्क्रीन आप जो कह रहे थे एक मायाजाल फैलाने की कोशिश है एक्चुअल प्रक्रिया के ऊपर और उसका लीगल और उसका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है सेंसस एक एन्यूमरेशन एक की एक्सरसाइज है गणना है और यहाँ पर आपका एक किसी जो एक डेजिग्नेटेड डिमार्केटेड एरिया है चाहे वो गांव हो चाहे वो वार्ड हो चाहे वो और कोई नोटिफाइड एरिया हो उसमें जो लोग रहते हैं जो रहते आए हैं छः महीने से अधिक अवधि से जो रह रहे हैं उनका एक रजिस्टर होगा ये और फिर जो लोकल रजिस्ट्रार है जो कि एक बहुत ही जूनियर फंक्शनरी होगा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में देखेंगे तो वो सबसे नीचे स्तर पर लेखपाल या पटवारी जो या पाटिल जो भी जहाँ कहीं जिस नाम से जाना जाता है उसकी रैंक का अधिकारी होगा इसी तरह से उसका जो काउंटर पार्ट होगा जो अर्बन एरियाज़ में तो वो उस स्तर पर वो होगा लोकल रजिस्ट्रार और उससे फिर एनपीआर के आधार पर वो ये जांच करेगा कि इसमें से कितने सही नागरिक हैं है। सही नागरिक संदिग्ध हैं तो इस पे मानने की देखने की चीज ये है कि एनआरसी आसाम की प्रक्रिया यही है हालांकि डेट्स कट ऑफ डेट सेवेंटी वन वगैरह की बात है यहाँ कट ऑफ डेट्स अलग हो जाते हैं क्योंकि सी ए के मुताबिक अलग अलग कट ऑफ डेट्स तय कर लिया गया है पर प्रक्रिया वही है प्रक्रिया तो वही आसाम में फॉलो किया गया तो जो आसाम में जिस तरह का डिस्कप्शन हुआ पूरी एक इकोनॉमिक एक सोशल लाइफ बिल्कुल एक तरह से वहाँ पर स्टैंड स्टिल पर आ गई बर्बाद हो गई तमाम लोगों ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाने की कोशिश की वकीलों को इंगेज किया गया और फिर ट्राइब्यूनल्स का जो ऑप्शन जो उनके गठन की जो प्रक्रिया है जिस तरह का चयन किया गया जिस तरह के लोगों ने उनको मैन किया और जैसे उनकी कार्यवाही हुई उससे कितनी तकलीफ हुई उसकी अगर कोई उसका कोई अगर कॉस्ट की कोई एस्टिमेट की जाए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन मिजरी तो एक स्टैगरिंग इवन द ऑफिशियल एक्सपेंडिचर इज सपोज्ड टू बी एनीथिंग फ्रॉम 12 टू 1600 करोड़ बट आप जो कह रहे हैं इंसान की जो उसकी खर्चा हुई हां उसका हां वो तो इससे कई गुना ज़्यादा है ह्यूमन मिजरी तो अलग वो अलग है। हो नहीं सकता उसकी उसका तो कोई अंकन हो नहीं सकता हो नहीं उसका।, उसका तो मैं इस पर और एक चीज पे आपको दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूँ देखिए जब हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी राय दिया है कि ओनस सिटीजनशिप प्रूफ करने का साबित करने की सिटीजन का है सरकार का गैर कानून सिटीजन है इसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है तो ये एन प्रोसेस का एक हिसाब से मतलब है कि 135 करोड़ लोग जो इस वक्त भारतवर्ष के बासिंदा है उन पर जिम्मेदारी है हम साबित करें हम सिटीज़न है मतलब इस वक्त कोई भी हिंदुस्तान के सिटीज़न नहीं है ये मान के शुरू हो रहा है दूसरी बात आपको दिखाना ब, ब, पूछना चाहता हूँ अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक घोषित नहीं हुआ आसाम एन में जो हमने देखा जिसके आधार पे सिद्ध कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट है इसीलिए मैं सिटीजन हूँ तो यहाँ तक पासपोर्ट भी आसाम एन की प्रोसेस पे ट्राइब्यूनल ने स्वीकार नहीं किया एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट मतलब कि हिंदुस्तान के नागरिक किसी दूसरे देश में जाके पासपोर्ट एज़ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप दिखाता है ऑल अदर कंट्रीज़ दूसरे देश उसको मान लेंगे हिंदुस्तानी सिटीज़न है पर हिंदुस्तान का सरकार इसको इस इस दर्जा अभी तक नहीं दे रही है एटलीस्ट आसाम के एनआरसी में हमने ही देखा है और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि ये बताने का कोई प्रयास नहीं किसी और से किया गया है कि इसकी आवश्यकता क्या थी हाँ किस ने ने सारी प्रक्रिया जो थे, इसकी है इसकी आवश्यकता क्या है क्या हम से हासिल करना चाहते हैं इसका क्या परिणाम होगा इसका हिंदुस्तान का भला क्या होगा अब हाँ, आसाम के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें तो उसमें उसका कोई एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी आ, आसाम का जो आंदोलन चल रहा था उसकी उसमें फिर राजीव गांधी एकॉर्ड हुआ उसमें यह था कि जो अल्टीमेटली ये पाया जाएगा कि ये डिटेक्टेड टू बी फॉरेनर्स हैं इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा ये उसमें प्रावधान था एक्ट uh, में तो ये ये भी सवाल उठता है कि अगर आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कुछ लोगों को तो फिर क्या करेंगे आप उन्हें स्टेटलेस uh, आप उन्हें कह देंगे कि ये नागरिक नहीं है भारत के नागरिक नहीं है तो स्टेटलेसनेस में यू आर ड्राइविंग दम इनटू स्टेटलेसनेस तो अब सभी. ये स्टेटलेसनेस क्या है स्टेटलेसनेस सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट right नहीं है कहा जाता है कि किसी का राइट right नहीं है ये मौलिक अधिकार नहीं है कि आप देश के नागरिक माने जाए मान लिया लेकिन ये नागरिकता एक बेसिक राइट right इसलिए है कि दिस इज द राइट टू हैव राइट्स इसमें इसमें आधार पर इसके आधार पर और तमाम अधिकारों को आप एक्सेस कर सकते हैं तो ये ये टर्म जो इस्तेमाल किया था वो हैना एरेंट ने पहली बार इस्तेमाल किया था लेकिन जो तो कॉन्सेप्ट है वो तो एक टाइमलेस और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है तो इतने कितने लोगों को अब जैसे 19 लाख लोग हैं वहाँ आसाम में उनको कहाँ भेजेंगे कौन तो उनको स्वीकार करने तो जा रहा सभी है सभी मांग के चलते हैं कि उनको आप घुसपेटिया करार दे के कहीं भेज नहीं सकते ये तो समुंदर में भेजे गैस चेम्बर में भेजें और जो अभी भी लगता नहीं अब संभव है ये हिंदुस्तान के लिए और किसी देश के लिए पर इस पर देखिए बातचीत देखिए बातचीत से साफ़ है इसका लक्ष्य था कि एक कम्युनिटी को कुछ हद तक स्टेटलेस बना दिया सबको नहीं बना पाएंगे कुछ लोगों को इस स्टेटलेस बना देंगे टारगेट ये है और इसका टारगेट सिर्फ इतना ही नहीं है उनको राजनीतिक रूप से उनकी राइट से वंचित किया जाए ताकि चुनाव या दूसरे राजनीतिक क्षेत्र में वो उसमें पार्टिसिपेट न कर पाए तो गोलवालकर सावरकर की जो साफ बयान था उसमें अगर देखें तो ये बात तो लिखी हुई है कैन स्टे इन इंडिया बट एज सेकेंड क्लास सिटीजन तो आज तक इसके अलावा और कोई तर्क नहीं दिया गया एन हम क्यों कर रहे हैं ये बात सही है आपकी कि एन का मांगा तो किसी ने नहीं था ऑब्जेक्टिव क्या है आज तक ये बताया नहीं किया तो ये अगर ये चीज़ अगर हम देखें इसके अलावा और कोई तर्क है कि आज तक तो सरकार इसको दिया नहीं जो लोग उसकी गिरफ्त में आएंगे वो तो स्टेटलेस हो जाएंगे और स्वाभाविक स्वभावतः वो अपने जो नागरिक अधिकार हैं उनसे वंचित हो जाएंगे वो राजनीतिक अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे लेकिन बाकी लोग जो और होंगे उस कम्युनिटी के उनके लिए एक संदेश भी जाएगा कि आप समझ जाइए तो एक ही चिलिंग इफेक्ट जो कहते हैं तो वो क्यों? वो 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 भी होगा उसका तो ये भी एक इसका आ, आ, अनस्टेटेड एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को ही अगर देख ले सबको कागज़ अगर दिखाना पड़े आप और हमारे उम्र के जो लोग हैं ना हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट ज़्यादातर है और न कि हमारा बर्थ प्रूफ या डेट ऑफ़ बर्थ हम साबित कर सकते हैं जहाँ डेट ऑफ बर्थ दी भी गई है वहाँ पर भी वो कितनी सही है ये इसकी मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी अभी जब आपने कहा यहाँ पर आपने न्योता दिया तो मैंने ऐसी देखी सिविल लिस्ट मैंने देखी लेटेस्ट सिविल लिस्ट 1918 की मैंने देखी आ, 2018 की तो आ, उसमें आ, मैं एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं याद हैं लेकिन मैंने सभी की डेट ऑफ लिस्ट उसमें एक साथ लिस्ट होती है डेट ऑफ बर्थ सबकी लिस्ट होती है तो वो दो अपडिक्स हैं एक अपेंडिक्स ए और एक अपेंडिक्स बी अपेंडिक्स ए में सब जो डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं उनका होता है और अपेंडिक्स बी में जो स्टेट सिविल सर्विसेज से जो प्रोमोटेड अधिकारी होते हैं उनका है तो पहले में तीन हज़ार तीन सौ के करीब थे डायरेक्ट रिक्रूट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं थी उनका उसमें सिस्टम ले लेता है पहली जनवरी उन्नीस सौ तो मैंने ये देखा कि पहली जनवरी कितने लोगों की क्योंकि मुझे इसका ये मालूम था कि जब हम लोग सर्विस में थे तो तब मैं इस बात पर हंसता रहता था कि कितने लोगों की फ़र्स्ट ऑफ जनवरी डेट ऑफ बर्थ होती है बहुत लोगों की हुआ करती थी तो मैंने कहा फ़र्स्ट ऑफ जनवरी देखता हूँ कि कितने लोगों की है तो इस इतना कोई भी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अगर आपके पास सैंपल है तो उसमें एक बेटा तीन लोगों की होनी चाहिए लेकिन मैंने ये पाया कि उसकी तुलना में जितनी उसके हिसाब से होनी चाहिए प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए उससे तीन गुनी है डायरेक्ट रिक्रूट्स में और जो प्रोमोटेड सिविल प्रोमोटेड अधिकारी हैं जो स्टेट सिविल सर्विस से आए हैं वो एक ओल्डर कोहोर्ट के हैं तो उसमें ये अनुपात जो है वो करीब सात गुना आठ गुना हो जाता है तो जितना तो होना चाहिए देट तो, देट जो, हाँ, तो जो है। जो जो ये देट सिद्ध है। करता है कि इस तबके के लोगों को भी जो कि आई में या पी में आते हैं उनको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है तो डेट ऑफ बर्थ तो प्रूफ करना और आप ये भी जानते हैं कि रजिस्ट्री होती है बर्थ और डेथ की यूपी बिहार जैसे जगहों पे करीब 60 प्रतिशत आज के तारीख पे सिर्फ 60 प्रतिशत सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है 30-40 प्रतिशत अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होते गलत डेट से भी रजिस्टर ही नहीं होते हैं और उसको अगर 10 15 20 साल पहले की कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लोग लेकर आएंगे मुझे स्वयं जब मैं एक बार आवश्यकता पड़ी यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए मुझको आवश्यकता पड़ी बर्थ सर्टिफिकेट की तो मुझे जाके बनवाना यानी लोगों को मुझे लगाना पड़ा कि जो मेरा जन्म स्थान था वहाँ पर भाई जाओ किसी तरह से लो क्योंकि हमें नहीं लिया था मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं लेते हैं हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है ये तो अब धीरे धीरे लोग इस मामले में कॉन्शियस हो रहे हैं पर किसी से ये कहा जाए कि अपने पेरेंट्स का आप जन्म स्थान और उनकी जन्म की तारीख और ये सब बताएं तो कहाँ से लोगों को जानकारी नहीं है वो अपना नहीं बता पाते हैं बहुत से लोग तो भाई बस यही बात कर रहा था तो किसी ने नहीं मांगा और एक हमें एक वर दिया गया है जो बहुत भारी पड़ने वाला है हिंदुस्तान के जनता पर और इसका लक्ष्य जो है बताया तो नहीं जा रहा है लक्ष्य दूसरे जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है उसके बाद से बड़ा साफ है कि लक्ष्य क्या है जसवाल जी आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद आपसे और भी इन इन चीज़ों पे दूसरे चीज़ों पर बातचीत करते रहेंगे इस आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक thanks for watching